तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के आह्वान पर टोहाना में विभिन्न रास्तों पर जाम लगाया गया। इस जाम के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। किसानों के इस भारत बंद को देखते हुए शहर के मुख्य बाजार भी बंद नजर आए तथा सब्जी मंडी, मेडिकल की शॉप, स्थान वाली अपनी दुकानों को बंद रखा। इस प्रदर्शन के दौरान एक कैंसर मरीज हिसार जाने के लिए आया तो किसानों ने उसे रास्ता देकर जाम को खोल दिया। गाड़ी के जाने के बाद दोबारा से रास्ते को जाम कर दिया गया। इस जाम के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेता महाराज सिंह कनहड़ी ने बताया कि इन कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसके चलते शहर के टाउन पार्क, रतिया रोड, चंडीगढ़ रोड को जाम किया गया है। वहीं गांव में भी जाम लगाया गया। जब तक सरकार किसानों की मांग नहीं मानेगी, किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जाम रहेगा। शादी बारात व इमरजेंसी सेवाओं को रास्ता दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के तहत शहर की सभी दुकानें व सब्जी मंडी, अनाज मंडी बंद रहेंगी। इस दौरान अनाज मंडी से प्रधान मास्टर रणवीर सिंह ने बताया कि किसानों के समर्थन में शहर की अनाज मंडी का सब्जी मंडी पूर्ण रूप से बंद होकर सरकार के खिलाफ अपना रोष भी जताया जा रहा है ताकि भारत बंद को सफल बनाया जा सके। इस दौरान किसान नेता हरि सिंह ने बताया कि तीन कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद के चलते दुकानों को बंद किया गया है, शहर में जाम लगाए गए हैं। वाहन पर सारा प्रोग्राम होता है और आज सारे हिंदुस्तान के अंदर पूर्ण भारत बंद है और अनाज हरियाणा के अंदर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के जो नेतृत्व है कच्चा आटी एसोसिएशन का, उसकी तरफ से कॉल है कि सारी हरियाणा की मंडियां पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। और जहां तक सवाल है, ये एक बिल्कुल अनुशासित बंद है, ऐतिहासिक बंद है। आने वाले समय और पहले समय ना कभी ऐसा हुआ ना होगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक बंद है। हर आदमी की भागीदारी है, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, किसी भी जाति का, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे मुनि। मंडी के अंदर तो इतनी एकता कभी देखने को नहीं मिली। क्यों? जो ये सरकार की नीतियां हैं, इनसे लोग खुश नहीं है। आज रोजगार देने की तो बात दूर है, रोजगार छीना जा रहा है, अनाज मंडियां बंद की जा रही है, मुनीमों का रोजगार खत्म होता जा रहा है, मजदूरों का खत्म होता जा रहा है, व्यापारियों का खत्म होता है। जो सरकार रोजगार दे नहीं सकती, छीनने का कोई अधिकार नहीं। हमने सभी संगठनों से बात करी है, सभी संगठनों से बातचीत करके सभी संगठनों का हमें सहयोग है और पूर्ण रूप से शहर बंद रहेगा। तो ये इसमें आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? सुबह जाम लगाएगा तो उसके सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक जाम रहेगा और सारे रास्ते बंद रहेंगे। तीनों कृषि कानून जो काले कानून है उनके विरोध में और MSP सरकार निर्धारित। तो दिन में बाजार में भी कोई कार्यक्रम रहेगा जैसे जाने का? जैसा हाँ बिल्कुल, डोर टू डोर जा करके बाजार को भी जा करके कहीं कोई छोटी मोटी बात होगी उससे भी रिक्वेस्ट की जाएगी। सारी दुकानें बंद है, सारी संस्थाएं बंद है, टोहाना क्षेत्र के सभी रास्ते रोड सारे बंद है पूर्ण रूप से। आप जाकर देखिए सारे गांवों में, शहर में सारा पूर्ण तौर पर बंद है। तो किन किन साधनों का रास्ता दिया जा रहा है यहाँ से? एक तो कोई एम्बुलेंस मरीज हो, एक कोई बरात हो किसी की, कोई मरीज जिस तरह इमरजेंसी वाला, उसको सभी को रास्ता दिया जाए। क्या शाम में 6 बजे तक जो हमारा संयुक्त मोर्चा का आह्वान है, वो उन्होंने 6 बजे का हमें कॉल की है, सवेरे 6 से शाम को 6 बजे तक। तो टोहाना के जो मुख्य रास्ते हैं सारे बंद किए गए? सारे बंद है जी। आप अपना उससे किसी के माध्यम से भी आप पूछ सकते हो, सारे पूर्ण तौर पर बंद है। ऐसा मेरी समझ में पहली बार ही हुआ गा, सारी दुकानें से लेकर मंडी, सब्जी की दुकानें, चाय की दुकानें, मेडिकल की भी दुकानें बंद है, क्योंकि सभी में रोष है। तो सब मानना पड़ेगा। देखो सरकार इतना कितने दिन तक टकराव चाहेगी इतनी पब्लिक के साथ? पब्लिक सारी, ये जन आंदोलन है, किसानों का नहीं है। अब आप जाकर देखिए, जो चाहे मजदूर हो, किसान हो, किसी तरह का भी, कोई भी आप ना दुकान नहीं खुली मिलेगी, कोई रास्ता नहीं खुला मिलेगा। और जो मुख्य मांग आपकी तीन कृषि कानून है, तीन कृषि कानून है, उसको रद्द करने के बगैर कोई भी समझौता नहीं होगा। यार सरकार को मान जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का जो राजा होता है नहीं, पब्लिक से मना होता है। ये लोकतंत्र में एक स्वाभाविक बात है, भाई जब सारी जनता नाराज है उसको मान जाना चाहिए, ये अकेला किसान का। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 हरियाणा।